बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हेडा गैबलर, जो कि हेनरिक इब्सन का ड्रामा है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में तफसील से आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको इसकी समरी जो है वो मुकम्मल तौर पर तफसील से बयान करके बताई थी। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिसके बाद मैंने ये फैसला किया कि इसका मुकम्मल सीरीज़ आपको बताऊं। तो पहला जो करेक्टर है इसका, वो है हेडा गैबलर। हेडा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर इन दिस मॉडर्न ड्रामा। ये जो ड्रामा है ये मॉडर्न ड्रामा है और हेडा मेन कैरेक्टर है। शी इज़ डॉटर ऑफ जनरल नेम्ड गैबलर। हेडा का बाप जो है वो जनरल है आर्मी में, और वो जनरल गैबलर की बेटी है। शी बिलोंग्स टू एन एरिस्टोक्रेटिक और अपर सोसाइटी। उसका तल्लुक जो है वो अपर सोसाइटी के साथ है। शी फॉल्स इन लव विद लव बोक, अ मैन ऑफ हर स्टेटस, बट कुडंट मैरी विद हिम बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। व्हेन शी बिकम्स 30+, शी मैरीज अ स्कॉलरली मिडिल क्लास जॉर्ज टेस्मन। शी नेवर रिमेन हैप्पी विद हिम एंड एट द एंड डिड सुसाइड। इसका जो करेक्टर है बड़ा ही अजीब गरीब करेक्टर है। यह कंप्लीट ड्रामा जो है वो इसी एक करेक्टर के गिर्द घूमता है। कुछ यूं के ये 30+ ईयर ओल्ड एक वोमन है जो कि अपर सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है। इसके शौक जो हैं वो मर्दों जैसे हैं, और ये अपनी मर्जी की लाइफ जो है वो जीना चाहती है, लेकिन सोसाइटी जो है इसे मजबूर करती है कि वो सोसाइटी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार। वो लव वोग नामी एक कैरेक्टर से शादी करना चाहती है, उससे प्यार करती है, लेकिन चूंकि वो एक ड्रंकर्ड है और सोसाइटी जो है वो ये तस्लीम नहीं करेगी कि एक जनरल की बेटी, एक हायर स्टेटस से, अपर क्लास से तल्लक रखने वाली लड़की एक शराबी इंसान से शादी कर ले। इस वजह से वो इससे शादी करने की बजाय जॉर्ज टेस्मैन से, जो कि एक मिडिल क्लास का पर्सन है, मिडिल सोसाइटी से तल्लक रखता है, मिडिल क्लास से, तो उसके चांसेस हैं प्रोफेसर बनने के, तो उससे शादी करने कर लेती है। इसकी बाप गैबलर की वफात हो जाती है और ये फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल नहीं होती। ख़ुद को फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल करने के लिए ये जॉर्ज टेस्मैन से शादी करती है। तो दूसरी तरफ जो जॉर्ज टेस्मैन है वो मिडिल सोसाइटी से, मिडिल क्लास से तल्लक रखता है, तो उसका ख्याल ये है कि ये अपर सोसाइटी की, अपर क्लास की गर्ल जो है, वोमन जो है, हेडा, अगर वो इससे शादी कर लेगा तो वो खुद जो है इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक सहूलतकार की और ये मफाद की शादी का रिश्ता इन दोनों में बन जाता है, जो कि कभी भी कामयाब साबित नहीं होता, और ये इसकी और इसका इख्तिताम जो है वो हेडा की सुसाइड से होता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा इज़ जॉर्ज टेस्मैन, हस्बैंड ऑफ हेडा, स्कॉलर टाइप एंड एमिएबल। ट्राई वेरी हार्ड टू मेक हेडा हैप्पी, बट शी रादर टीजिज एंड मैनिपुलेट्स हिम। शी मिसबिहेव्स विद आंट जूजू। शी ह्यूमिलिएट्स हर and ignores her love and gifts. The spelling of gifts is not correct here. Spelling correct are GIFTS, gifts. जब आंट जोजो इनके घर पर आती है तो उसके साथ मिसबिहेव करती है। ड्रामे का आगाज़ इस तरीके से होता है कि हेडा गैबलर और जोजो टेस्मैन की शादी को 6 माह हो चुके हैं और वो हनीमून से वापस आए हुए होते हैं अपने घर। तो अगली सुबह जब वो पहुंचते हैं तो अगली सुबह आंट जोजो, जिसने जॉर्ज टेस्मैन को इसके माँ बाप की वफात के बाद पाला था, तो वो इससे और इसकी बीवी से मिलने के लिए आती है, तो अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लाती है, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा रवैया जो है वो हेडा अपनाती है। टेस्मैन इज़ होपिंग फॉर प्रोफेसरशिप इन हिस्ट्री सब्जेक्ट।
जॉर्ज चर्चमैन जो है वो उसे उम्मीद है कि वो प्रोफेसर जो है वो हिस्ट्री का बनेगा, इसके लिए वो बड़ी कोशिश भी कर रहा है और उसकी तलीम भी इतनी है, वो स्कॉलर टाइप पर्सन है। तो शादी के 6 माह के बाद ही जो हैडा है उसे कहती है कि मुझे बहुत बड़े बंगले में रखो, मेरी तमाम ख्वाहिशात को ज़रूरियात को पूरा करे। तो वो कहता है कि आने वाले दिनों में मैं प्रोफेसर बनने वाला हूँ, तो तुम्हारी हर ख्वाहिश को मैं फिर पूरी कर दूँगा। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि हैडा को मुकम्मल तौर पर खुश रख सके, लेकिन चूंकि ये जो मैरिज है ये मफादात की शादी है, इसमें इनका कोई फिज़िकल या पैशन नहीं है, तो इसलिए इनके दरमियान वो तल्लुक़ पैदा नहीं हो पाता और ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से नाखुश रहते हैं। और ख़ास तौर पर हैडा जो है वो मुकम्मल तौर पर इससे खुश नहीं है और इसके साथ जो है वो ऐसे है कि जैसे वो फंस गई है, तो वो मुकम्मल तौर पर मायूसी का शिकार है। वो जिससे शादी करना चाहती थी उससे शादी उसने नहीं की, और फिज़िकली और फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए इससे शादी कर अब वो पछता रही है और उसका एंड जो है वो। द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर इज़ जूलियान टेस्टमैन। आफ्टर जॉर्ज पेरेंट्स डेथ ही वॉज रेज्ड अप बाई हिज आंट जूजू जूलियान एंड इज़ निक नेम्ड एज आंट जूजू। शी इज़ आंट ऑफ जॉर्ज टेस्टमैन। शी इज़ कॉन्स्टेंटली शोइंग हर विश फॉर ए बेबी ऑफ जॉर्ज एंड हैडा। शी लिव्स विद आंट रीना। तो ये चाहती है कि जल्द से जल्द इसके हाँ जो है वो जॉर्ज टेस्टमैन के हाँ जो हैं वो बच्चे हों, तो वो खुशियाँ मनाए और वो इंजॉय करे। तो वो बार बार ये तकीद करती है कि क्या है, क्या सूरत हाल है, कैसा रहा आपका हनीमून, या क्या सूरत हाल है, क्या है। तो वो जो है वो बात को गोलमोल कर देता है। तो यही वो जूलियान टेस्टमैन थी जिसे हैडा जो है वो बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। जैसे ही ड्रामे का आगाज़ होता है तो ये हनीमून से आते हैं, तो ये वाकया सर अंजाम होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ जज ब्रेक। ही इज़ अ जूनियर जज, आर ए जज ऑफ लॉयर रैंक, लॉयर ऑनर। ही हैज़ अ गुड फ्रेंडशिप विद हैडा एंड टेस्टमैन। ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स देयर होम एंड इंश्योर्स दैट ही वुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर जॉर्ज प्रोफेसरशिप बिकॉज ही हैज़ वेरी लार्ज रिलेशनशिप्स ऑल ओवर द सिटी। It was this character who blackmailed Hedda and caused her suicide attempt. ये इंतहाई मकार, चलाक और घटिया किस्म का कैरेक्टर है जो बार बार Hedda को सीड्यूस करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो उसके बड़े बड़े तलकात हैं और वो उसके खामंद को जो है वो अपने तलुकात को इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर जो है वो लगवा देगा। तो इसी दौरान जब वो बार बार हैडा के घर आता है तो वो इसकी तरफ मतवज्जा हो जाता है और एंड पर उसे पता भी, ड्रामे के एंड पर उसे पता लग जाता है कि हैडा जो है इसने मोटिवेट किया था लव बो को ताकि वो खुदकुशी कर ले, मर जाए, और इसका जो कंपटीशन है इसके खामत का ख़त्म हो जाए, इसका खामत जो है वो प्रोफेसर बन जाए। तो इसीलिए वो मोटिवेट उसे करती है। तो फिर ये बातें जानकर ये इसे सड्यूस करता है और उसे ब्लैकमेल भी करता है कि ये बातें मैं तुम्हारे खामंद को बता दूंगा कि तुम्हारा लव बोर के साथ तल्लुक था, तुमने उसके उसको मजबूर किया, उसे इन्फोर्स किया और मोटिवेट किया कि वो खुदकुशी कर ले, तो तुमने उसके मसवदे को जलाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लैकमेल करता है कि वो अपना आप इस जज ब्रे को सौंप दे, लेकिन वैसा नहीं करती खुदकुशी को, वैसा करने की बजाय खुदकुशी को तरजीह देती है। ही इज़ बेस्ट फ्रेंड लवर ऑफ हैडा एंड बिगेस्ट कंपेटिटर ऑफ जॉर्ज इन एकेडमिक वर्ल्ड। एलर्ट लवबोग जो है ये इंतहाई अहम कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है इस ड्रामा में। तो ये कंपेटिटर है हैडा के खामिन जॉर्ज टेस्टमैन का लेक्चरशिप में, बट ही इज़ ड्रंकर्ड। ही वांटेड टू पब्लिश अ बुक
हुज मैन्यूस्क्रिप्ट हैडा बर्न्ड इन एनवी। पहले तो हैडा इससे प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके बाद वो जॉर्ज चेसमैन से शादी कर लेती है। इससे शादी इसलिए नहीं करती, ये ड्रंकर्ड होता है और वो ये नहीं चाहती कि हैडा गैबलर, एक गैबलर जनरल की बेटी, शराबी से शादी करे। तो बाद में वो अपने खावंद की कामयाबी की खातिर लव वो की बीवी को भी वरगलाती है, इसके मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसे भी जला देती है और उसे मोटिवेट भी करती है कि वो खुदकुशी करके ख़त्म हो जाए। और कंपटीशन जो है इसका और हैडा के खामंद का वो ख़त्म हो जाए, ये बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, तो ये नहज भी आती है यहाँ पर। Then such incidents occurred that he is motivated by Hedda for suicide. जैसे मैंने पहले बताया, for this she gives him her pistol and at last he commits suicide. वो उसे motivate करती है वो suicide कर ले। कागज़ जलाने के बाद उसने कहा कि तुम्हारे कागज़ जल गए, जले इसने नहीं बताया कि जले, इसने कहा कि तुम जो ड्रिंकिंग पार्टी थी उसमें तुमने घुमा दिए हैं, कुछ कर लिया है। तो वो इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है और हैडा गैबलर को इसके बाप जनरल गैबलर ने दो पिस्टल दिए थे जो कि वो शूट भी करती है ड्रामा के दौरान, और ये बड़ा पसंद करती है गन फायर करना, पिस्टल फायर। तो वो दो उसके पास जो पिस्टल होते हैं वो एक पिस्टल उसे दे देती है लव वो को कि वो खुदकुशी कर ले, और एक से जब उसे ब्लैकमेल किया जा रहा होता है तो ड्रामे के एंड पर वो दूसरा पिस्टल जो उसके पास होता है उससे खुद सुसाइड कर लेती है। मिसेस एल्स्टेड, शी इज़ वाइफ ऑफ लवबोग, शी लेफ्ट हर हस्बैंड फॉर हिम एंड डिवोटेड हर सेल्फ फॉर हिज रिफॉर्म। होता कुछ यूं है कि ये एक ब्यूरोक्रेट के घर में मिसेस एल्स्टेड काम करती है और ब्यूरोक्रेट की बीवी फोत हो जाती है और वो अपने बच्चों को की रखवाली के लिए इसे अपनी नौकरानी को अपनी बीवी बना लेता है। तो वहाँ पर लवबोर्ग जो है वो उस ब्यूरोक्रेट के बच्चों को पढ़ाने जाता है और वहाँ पर मिसेज एल्फस्टेड और जॉर्ज ब्रेक के दरमियान लव रिलेशनशिप कायम हो जाता है और वो मिसेज एल्फस्टेड जो है वो ब्यूरोक्रेट को छोड़कर तो इसके साथ भागकर शादी कर लेती है लवबोर्ग के साथ, और अपना ज़िंदगी का मिशन बना लेती है कि वो इसे शराब से की आदत से निजात दिलाएगी। बर्था, शी इज़ जॉर्ज टेस्मेंस सर्वेंट, शी ट्राइड हर बेस्ट टू सेटिस्फाई हैडा बट कुडंट। ये मुलाजमा है जो कि आंट जूजू के लिए भी काम करती थी, ये इनकी घरेलू मुलाजमा है जॉर्ज टेस्मेंट की और आंट जूजू की, और ये अब हैडा के लिए भी काम करती है, घर में काम करती है। तो हैडा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये अपनी बुरी कोशिश कर। लास्ट करेक्टर है आंट रीना, शी इज़ सिस्टर ऑफ जूलियन, आंट जूजू लिव्ड विद हर, जूलियन आंट जूलियन इज़ आंट जूजू विच लिव्ड विद हर आंट रीना। शी वॉज टू मच इल एट द स्टार्ट ऑफ द ड्रामा, ड्रामा के स्टार्ट पर आंट रीना जो है ये बहुत ज़्यादा बीमार होती है और इसके बचने के कोई चांसेस नहीं होते। जब ये हनीमून से हैडा वगैरह होकर आते हैं तो ये आकर आंट जूजू इन्हें बताती है, और जो आंट जूलियन है जिसे आंट जूजू कहा जाता है ये भी आंट रीना के साथ ही रहती है और इनका अपना ही जो है वो घर है इसके साथ। तो जो इसके लिए घर का बंदोबस्त करती है वो आंट जूजू करती है, वो अपनी कमाई की रकम से, अपनी सेविंग से पैसे इकट्ठे कर कर एक आलीशान किराए का घर का इंतज़ाम करती है। सो डियर व्यूज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस करेक्टर एक्सप्लेनेशन वेरी वेल, एंड इन नेक्स्ट वीडियोज I will tell you about Hedda Gabler's themes, each and every character in detail with analysis and other topics related to this modern drama. So subscribe this channel, like this video, share this video.
एंड अस्सलाम वालेकुम।